subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ साधना, मेरा आप सबको प्यार भरा राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड की नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ और वो भी ब्रेकफास्ट में। तो देखिए, मैंने ये दो खीरे लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, चार पांच मैंने ब्रेड के पीस लिए हैं, ये बेसन लिया है। और आगे मैं क्या करूँगी अभी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम खीरों के पीस कर लेंगे पतले पतले, ये देखिए। ऐसे ही हम पतले पतले टमाटर के कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने 5 से 6 टीस्पून बेसन ले रखा है। इसमें अब मैं हरी मिर्ची और धनिया डालूंगी और थोड़ी सी हींग डालूंगी। फ्रेंड्स, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार और ये थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी। अब इसको पानी डाल के हम पतला कर लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा जिससे कि ये अच्छा बैटर बन जाए, स्मूथ बैटर। फ्रेंड्स, अब अगला प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। एक ब्रेड पे हम दो ब्रेड लेंगे। एक ब्रेड पे हम ये धनिया की चटनी लगाएंगे। एक ब्रेड पे हम सॉस लगाएंगे, अच्छे से लगा लेंगे। अब हम इस पे टमाटर रखेंगे और साथ में खीरे रखेंगे। और प्याज भी रखेंगे। इस पे हल्का सा नमक डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। जो हमने चटनी लगा के फ्रेंड्स रखी है ब्रेड, उसको हम इसके ऊपर हल्के हाथों से इसको हम दबा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये अच्छे से दबा लिया है इसको। अब इसके ऊपर जो हमने बेसन घोल के तैयार किया हुआ है, जिसमें हरी मिर्ची, धनिया, नमक, हींग पड़ी हुई है, इसको हम अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे। फ्रेंड्स, दोनों साइड से फैलाना है। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया और उसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें ये ब्रेड डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपका ऑयल ना तेज गर्म होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये अब हमारा एक साइड से सिक गया है। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए, ब्राउन कलर का हो चुका है। और इसको भी हम दूसरी साइड से ब्राउन कलर का ही सेकेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरी साइड से भी सेक चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम इसको निकाल लेंगे और गैस कर देंगे बंद। अब फ्रेंड्स, इसको हम निकाल रहे हैं, देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी बनाए। फ्रेंड्स, ये मेरा झटपट ब्रेड का नाश्ता तैयार है। अब आप इसको घर पे बनाइएगा और टेस्ट करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरा ये नाश्ता पसंद आया हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।